आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पांच ऐसी ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा जो ये चीज़ साबित कर सकती हैं कि आप एक घटिया और वाहियात ड्राइवर हो, एक छपरी ड्राइवर हो, है ना। अगर आपके अंदर ये कमियां हैं तो मेरा मोटिव ये है कि आप इन कमियों को दूर कर लो। मेरा मोटिव किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करने का नहीं है, और ये कमियां दूर करके आप एक बढ़िया से ड्राइवर बन जाओ, एक बढ़िया से कार एंथुजियास्ट बन जाओ। दैट इज़ माई मोटिव, एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो हैव अ मोटिव जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, ताकि आप आने वाले टाइम में भाई कार्स के मामले में, ड्राइविंग के मामले में बेटर बन जाओ, बेस्ट बन जाओ, है ना। अभी गुड हो, फिर बेटर बन जाओ, उसके बाद बेस्ट बन जाओ। सो दैट इज़ द थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू। अब बकवास ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं भाई। अब फर्स्ट मिस्टेक, या कह लो कि फर्स्ट जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है वाहियात ड्राइवर्स की, वो ये होती है भाई, हॉर्न बजाना। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये क्या बात हो गई, हॉर्न है गाड़ी में अगर तो हम बजाएंगे। ठीक है, एक्चुअली आई एम द पर्सन हु इज़ टेकिंग द थिंग्स एट द रॉन्ग साइड। हॉर्न बजाना नहीं भाई, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हॉन्किंग इज़ द थिंग आई वॉन्ट टू से। कि मतलब गाड़ी में बैठे स्टार्ट किए भाई, अब जा रहे हैं, रोड खाली है। ठीक है, मतलब ना कोई आमने, ना कोई सामने, ना कोई बगल में, ना आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो, ना कोई गली है जहाँ से कोई एकदम से आ सकता है, खाली रोड पर जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, बस हॉर्न बजाए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये भी भाई छपरी ही था, ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा गलत है भाई, और इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। बिकॉज ओवर हॉन्किंग इज़ लाइक पर्सन हु इज़ लाइक नौसिखिया, या आप कह लो कि हु इज़ नॉट वेल ट्रेंड, एंड वो वाली फील जो है उस इंसान से ज़रूर आनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा हॉर्न बजा रहा है ज़बरदस्ती में खाली रोड में भी। बहुत से लोगों की आदत है भाई, रेड सिग्नल है, पीछे खड़े हुए हैं, आगे और गाड़ियां खड़ी हुई हैं, क्या कर रहे हैं, पैपे पैपे कर रहे हैं। ठीक है भाई, अगला आदमी किसी पे चढ़ा के थोड़ी चला जाएगा, उसके भी तो आगे गाड़ियां खड़ी हैं ना, हेलीकॉप्टर बन के जाओगे, वो भी तो हटाएगा, उसको भी तो टाइम चाहिए भाई, उसके आगे जो गाड़ियां हैं वो भी तो हैं। तो अब वो भी हॉर्न बजाए, तुम भी बजाओ, पूरा सिग्नल हॉर्न मार रहा है भाई, जितने लोग वहाँ खड़े हैं सब हॉर्न मार रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा, मज़ा नहीं आएगी ना। इसलिए प्रयास करिए कि भाई हॉर्न जो है वो आप लिमिटेड वेज में बजाइए, जब आप ओवरटेक कर रहे हो तब हॉर्न बजाइए, जब कोई गली हो जहाँ से आपको लग रहा है ब्लाइंड स्पॉट है, आगे कोई आ सकता है, उसको मेरी गाड़ी नहीं दिखेगी, तब हॉर्न बजाइए। उसके अलावा जब कुछ ऐसा हो कि कोई जानवर बैठा है तो वहाँ पे हॉर्न बजाइए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम हॉर्न नहीं बजाते, और जहाँ नहीं होती वहाँ पे हम पेले रहते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं सेकंड मिस्टेक की तरफ। अगली जो मिस्टेक है, आप कह लो जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है, वो है भाई गाड़ी में अंदर के साइड। ठीक है, अब कोई बंदा यहाँ पे बैठा, उसने कार को किया स्टार्ट, फर्स्ट गियर को ऐसे इंगेज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से वहाँ तक जाने में भाई वो इतना ज़्यादा रेव करेगा गाड़ी को, मतलब 3,000-4,000 RPM, 2,500 RPM के ऊपर, मतलब ओवर रेविंग इज़ अनदर मिस्टेक विच आई एम टॉकिंग अबाउट, और द अदर कैरेक्टरिस्टिक विच आई एम टॉकिंग अबाउट, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो है भाई ओवर रेविंग। मतलब यहाँ से वहाँ तक जाना है तो भाई उसमें दह रेस पे रेस, मतलब इतना ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं कार को। फर्स्ट गियर में आप 30 चला रहे हो, अरे भाई थर्ड गियर में 30 चला लो ना, ऐसे करके चलानी तो आपको 30 पे ही है, तो फर्स्ट पे क्यों चलाना है उसको, थर्ड पे 30 चला लो भाई, या बहुत फिर भी शौक है आपको तो सेकेंड 25 से 30 के बीच में चला लो। लेकिन नहीं भाई, उनको फर्स्ट गियर पे ही 30 की स्पीड में चलाना है, सेकेंड में 40 ही चलाएंगे भाई, सेकेंड में 30 नहीं चला सकते, या सेकेंड में नहीं 20 चला सकते, थर्ड में भाई उनको 60 चलानी है, 70, भाई क्यों ज़्यादा रेव करने का मुझे समझ में नहीं आया आज तक, फ़ायदा क्या है। अब लोग बोलेंगे भाई भागती ही गाड़ी तब जब रेव करो, तो आपका शायद से एक मिसकंसेप्शन है ये, मैंने एकदम प्रॉपर तरीका बता रखा है भाई गाड़ी को भगाने का, जो कि आप देख सकते हो, उसकी जो लिंक है वो आई बटन में आ जाएगी, उस वीडियो को आप देख सकते हो आराम से, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो वो जो है एक्चुअल तरीका होता है, द करेक्ट वे इज़ कि आप हर गियर में एक पर्टिकुलर लिमिट तक कार को रेव करो, हर गियर की एक अपनी स्पीड होती है, और अपनी कार के बिहेवियर के हिसाब से कार को खींचो, है ना। जैसे ये गाड़ी है भाई, ये चौथे गियर में अगर आप इसको 50 पे चलाओगे तो ये थोड़ी सी वाइब्रेशन इसमें रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो RPM पे चली जाती है, इसका इंजन उस हिसाब से ट्यून किया है जो ब्रांड है इसकी, उसी हिसाब से भाई कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि भाई 40 में ही चौथे गियर पे जाती हैं ना, तो वो हर गाड़ी का इंजन अपने अपने हिसाब से ट्यून्ड होता है। इसी प्रकार से भाई आपको भी अपनी गाड़ी का बिहेवियर को समझना है और उस हिसाब से चलाना है। अब बढ़ते हैं थर्ड मिस्टेक की तरफ। तीसरी जो गलती रहती है वो रहती है भाई ऐसी, जो गाड़ी चलाने के वक्त आदमी करता है। अब आप बोलोगे भाई इसमें गलती क्या है, अब ये तो गाड़ी चल भी नहीं रही है। सो द मिस्टेक ओवर हेयर इज़ कि ये ORVMs जो है ये क्लोज है, द आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स ओवर हेयर आर क्लोज, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। अगर आप ये करते हो तो भाई बहुत गलत बात है। आइडियली यू शुड ड्राइव द व्हीकल विद दीज टाइप्स ऑफ ORVMs, लाइक टाइप आर सिमिलर बट मतलब इस तरीके से आपको इनको यूज़ करना चाहिए, ना कि बंद करके, भाई वो बंद करने के लिए नहीं दिए हैं ब्रांड ने, है ना। अब उससे फ़र्क क्या पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ भाई। अगर आपने ORVMs बंद रखे, यू विल नॉट बी एबल टू सी वॉट इज़ हैपनिंग बिहाइंड यू, है ना।
अब भाई उससे नुकसान क्या हो सकते हैं, मान लो मुझे आगे से लेफ्ट लेना है, मेरे ORVMs बंद है, मुझे पता ही नहीं कि पीछे साइड से गाड़ी आ रही है, मैं क्या करूँगा, मैं काट दूंगा, उसको पता ही नहीं है भाई कि ये मोड़ेगा, या मान लो उसको पता भी है आप एकदम से मोड़ दोगे बिना देखे, पीछे वाला आपकी गाड़ी में टकरा जाएगा, उसका नुकसान आपका नुकसान, सो बोथ ऑफ यू विल बी इन लॉस। तो भाई अपनी भी सुरक्षा करो दूसरे की भी करो, है ना। तो उसके लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है, यू हैव टू ओपन दीज आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स एंड आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू सेट इट अकॉर्डिंग टू योर व्यू, अकॉर्डिंग टू योर विजन। इतना सा काम आप कर सकते हो जिसके बाद में यू विल बी एबल टू सी व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड यू। तो उससे भाई फ़ायदा है आपका भी और दूसरे इंसान का भी। मतलब इसको ऑन करने खोलने में तो ना भाई पैसा लगना, ना इससे आपका माइलेज कम होगा, ना इसमें इतना कोई बड़ा काम है। आजकल तो ऑटो फोल्ड वाले भी आ जाते हैं, उसको भी लोग फोल्डेड रखते हैं, हमको ये नहीं समझ में आता कि उससे क्या फ़ायदा हो जाता है। सो दिस इज़ अ मेजर नेसेसिटी, ORVMs जो है आपके वो हमेशा खुले होने चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मिस्टेक। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जब उन्हें गाड़ी रोकनी होती है तो जहाँ पे रोकनी है एकदम उस पॉइंट पे आके ब्रेक मारेंगे भाई, है ना। मतलब अगर मुझे गाड़ी यहाँ से मैं चला रहा हूँ और मुझे XUV 700 के पास रोकनी है, मेरी गाड़ी की स्पीड 40 है, तो मैं उस घास के पास पहुँच के ब्रेक मारूंगा जिससे गाड़ी एकदम आगे को ऐसे डाइव मारती है, बॉडी रोल वगैरह जो भी होता है, चीं करके आवाज़ भी बहुत से टाइम्स आती है। ये बहुत से लोग भाई शौकिया तौर पर करते हैं, मज़े के लिए करते हैं, बट इससे मैं आपको बताऊं जो आपकी गाड़ी के डिस्क पैड्स जो डिस्क ब्रेक्स होते हैं उसके भाई पैड्स घिस जाते हैं, बहुत से इश्यूज़ होते हैं, प्लस कई बार नहीं लगते ब्रेक, और जब नहीं लगते ब्रेक तो आप जाते हैं और अगली वाली गाड़ी को चुम्मा दे देते हैं पीछे से, है ना। उसमें क्या होता है कि फिर अगली गाड़ी वाला जो है उतरता है, वो पुलिस को कॉल करता है और फिर पुलिस बहुत सारे चुम्मे आपको देगी। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको करना क्या है भाई, कि मान लो आपको गाड़ी वहाँ रोकनी है, आपकी स्पीड 40 पे, तो आपको वहाँ से ही ब्रेक लेना स्टार्ट करना है, हल्का सा दबाओ प्यार से। उससे क्या फ़ायदे होंगे, पहली चीज़ आपका माइलेज बढ़ेगा, दूसरी चीज़ झटका नहीं लगेगा, तीसरी चीज़ बॉडी रोल नहीं होगी, चौथी चीज़ भाई एक्सीडेंट के चांसेस नहीं रहेंगे, पांचवी चीज़ ब्रेक्स आपके हेल्दी रहेंगे, बहुत से फ़ायदे हैं ना। तो उस चीज़ को अडेप्ट करो भाई, अच्छे से ब्रेकिंग करो। अब अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए पर ब्रेकिंग के मामले में लोग मुझे बोलते हैं कि भाई 80 पे भी गाड़ी रहती है और एकदम से टर्न होता है तो आप ब्रेकिंग इतनी चुम्मेश्वर करते हो कि गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर रुकती है, मतलब लगता है कि ठुक जाएगी पर ठुकती भी नहीं और झटके भी नहीं लगते भाई, इतनी अच्छी ब्रेकिंग आपकी है। तो वो मैंने समय लिया है उस चीज़ को, समय दिया है एक्चुअल में, ताकि वो चीज़ जो है बढ़िया हो सके। तो ब्रेकिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि पता ही ना चले कि गाड़ी में ब्रेक सप्लाई हो रहे हैं इतने अच्छे से, बाकी जो आपके पैसेंजर हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से बैठे रहे हैं, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी, अच्छे ब्रेक्स लगाने हैं, अच्छी तरीके से लगाने हैं। तो पाँचवीं गलती और सबसे तगड़ी, सबसे बड़ी गलती जो एक छपरी ड्राइवर करता है भाई, मतलब उससे वाहियात और छपरी ड्राइवर तो कोई हो ही नहीं सकता, और वो ड्राइवर है भाई जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना। अगर उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वैल्यूएबल कंटेंट देख नहीं पाएगा, इससे वो कार्स के मामले में अच्छा नहीं बन पाएगा। मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा ट्रिगर्ड होने की ज़रूरत नहीं, बता रहे हैं तुमको मिस्टेक, लेकिन ये भी एक मिस्टेक है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, नहीं बढ़िया नहीं बन पाओगे इतना ज़्यादा। अब भाई मैं आपको बताता हूँ, बहुत से ड्राइवर्स की आदत होती है कि जब वो कार चलाते हैं ना तो उनका एक जो हाथ रहता है वो रहता है गियर पे, अपना लेफ्ट वाला हाथ, और उनसे भी बड़े बेवकूफ़ लोग वो हैं जो कि कहते हैं कि भाई वो एक अच्छा ड्राइवर है जिसका हाथ हमेशा गियर पे रहता है, क्योंकि ही नोज़ दैट व्हेन वी हैव टू शिफ्ट ही शिफ्ट्स वेरी क्विकली। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ही इज़ नॉट ऑलवेज रेडी टू शिफ्ट द गियर्स बट ही इज़ रूइनिंग द गियर। कैसे, अब मैं वो आपको बताता हूँ। भाई जो गियर टीथ्स होते हैं ना अंदर, टीथ्स आप जानते ही हो कि भाई जैसे मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे करके वो बने रहते हैं ना टीथ, मतलब समझ लो भाई, समझ जाओगे आप लोग, जो खांचे फंसते हैं आपस में, अगर आप इसमें हाथ रखते हो तो वो खांचे दबते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है। उससे क्या होता है कि जो आपका गेयर बॉक्स है भाई उसके जो टीथ्स हैं वो घिसने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी स्लॉटिंग बर्बाद हो जाती है, फिर आप ऐसे ऐसे करते रहोगे और गेयर आपका नहीं लगेगा। तो उसके लिए भाई आपको, अगर हाथ मतलब बहुत ज़्यादा शौक है रखने का, तो आप अपने गेयर पे यहाँ पे हाथ ऐसे रखो, और जैसे ये सेकंड गेयर में चल रही तो ऐसे हाथ रखो भाई, थर्ड लगा लो, ऐसे ही रखे रहो अपना हाथ, बहुत शौक है, और फिर ऐसे लगा लो। मैं जनरली ऐसे हाथ रखता हूँ अपने आर्मरेस्ट पे, और यहीं से गेयर से ऐसे लगा दिया है, फर्स्ट ऐसे ऐसे उंगली रखी हुई है, ये लगा दिया सेकंड, यहाँ पे उंगली है, ये थर्ड लगा दिया, यहाँ पे उंगली है मेरी, ये मैंने फोर्थ लगा दिया। ऊपर से अगर ऐसे हाथ रहेगा, भले ही एकदम हल्का हाथ हो, तो भी भाई टीथ्स जो है वो घिस जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। मैंने आपको तरीके भी सब बताए कि इन गलतियों का निवारण जो है वो कैसे किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं, मतलब जो आप गलतियां करते हो इसको सुधारा कैसे जा सकता है, तो उनको भाई फटाफट से सुधार लो और बन जाओ अपनी नज़रों में और दुनिया की नज़रों में एक बेहतरीन ड्राइवर, ठीक है। खैर तब तक नहीं बन पाओगे जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो फटाफट से जाओ सब्सक्राइब कर लो। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, प्लस मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है। बहुत से लोग होते हैं भाई जिनको वीडियो यूज़फुल लगती है, बहुत से लोगों को नहीं लगती, तो जिन्हें नहीं लगती
वो गुस्साएं मत, आप बता दीजिए आपको कैसी वीडियो चाहिए, मैं कोई क्वेरी रह गई है तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।